टॉमी पॉलिटेक्निक कॉलेज बिसार डायरेक्ट और APJEE एडमिशन फॉर 3 years डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन सिविल EEE एंड CSE स्कॉलरशिप बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कैंपस इंटरव्यू इन सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स बाय साउथ इंडियन मैनेजमेंट नमस्कार, मैं बाईतावा जनरल सेक्रेटरी इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दिस रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन व्हिच इज हैपनिंग इन तवांग, सो दैट वेयर यू हैव कंप्लेंड दैट इट्स इलीगल एंड फोर्सफुल कंस्ट्रक्शन, सो प्लीज सर कमेंट ऑन दैट। इसमें ऐसा है तो वहाँ के MMT जो यहाँ पे लेटर है जो मोनपा मिनमंग संगपा उनका एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को लिखा, हमें एक कॉपी दिया, फिर उसके बाद उसका इनक्लोज करके जो डिप्टी कमिश्नर को ये किया, वहाँ के जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी NGOs है, उन्होंने तवांग वाला जो है यहाँ पे पूरा 15 आदमी का सिग्नेचर है उसको इनक्लोज करके दिया, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे इलीगल कर रहा है, आप लोग का थोड़ा इंटरवेंशन हमको ज़रूरी है। तो इसी मुद्दे पे हम लोग सोचा है, वहाँ तवांग जो है आप सब जानते हैं, तवांग जो वहाँ के मोम्पा है बहुत शांति चाहता है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जितना एपेक्स है और सभी चीज़ जो है उसको मना कर रहा है, तो और सरकार भी इसको मना कर रहा है, तो इंडिजिनियस फेथ बिलीवर होने के नाते अब देखिए तवांग से लेके लोंगडिंग तक जितना भी यहाँ के जनजाति है उसको हम जू या अरुणाचल धरती पे जन्मा है उसको हम अपना भाई मानते हैं, जो अरुणाचली इंडिजिनियस मानते हैं, तो इसलिए हमारा प्रेसिडेंट ने वो लेटर के आधार पे DC को इन एडिशन टू द लेटर DC को एड्रेस करके इमीडिएट स्टॉप करो, अगर वहाँ के लोग नहीं मानते हैं जो प्रोसीड्योर में नहीं जा रहा है प्रॉपर अलॉटमेंट के साथ, स्टॉप कर दो बोल के हम जरूर उसको विरोध किया है और कर रहा हूँ। सर अलॉटमेंट का बात आपने किया तो लाइक वहाँ का चर्च CRC का क्लेम है कि सिंस 99 से वो लोग वहाँ पे है, दैट मीन्स 21 साल हो चुका है वो लोग वहाँ पे है, तो अलॉटमेंट का बात आता ही नहीं बिकॉज वो जगह तो ऑलरेडी वो लोग का ही है, देट वॉज अ डंपिंग एरिया, तो डंपिंग एरिया को वो लोग अभी अच्छा जगह बना रहे जहाँ पे वो लोग चर्च कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो सर वो लोग का कहना ये है कि 1999 से है वो लोग वहाँ पे, तो अभी ये कैसे इलीगल हो गया है? ये 1999 हो या जितना साल वो तो एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग का कहना है डंपिंग एरिया को अगर हमारे यहाँ कैपिटल में भी कोई डंपिंग एरिया को अगर कोई इस इलीगली ऑक्यूपाई करता है उसको बनाता है रिनोवेशन, फिर बाकी डंपिंग एरिया कहाँ होगा? सबसे इम्पोर्टेंट होता है टॉयलेट बाथरूम डंपिंग एरिया, वो चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं यही समझता हूँ कि और सरकार अगर डंपिंग एरिया को इतना साल से उन लोग अलॉटमेंट भी मिलना चाहिए था, बहुत चीफ मिनिस्टर भी गुजर गया, मैं चला गया, फिर उस बीच में भी उसका मतलब वो ऐसा इम्पोर्टेंट होगा सरकार के लिए कि उसको नहीं दे सकता, अल्टरनेट आप ढूंढ सकते हैं, वो ऐसा जगह हो सकता है तवांग में जो डंपिंग एरिया होता है कोई कोना में होगा या किसी पब्लिक का यूटिलिटी में वो नहीं आके उसको डंपिंग ग्राउंड बनाया होगा, वो चीज़ को लेके सरकार भी बोल रहा होगा कि हम लोग इसको नहीं दे सकता है, तो इसी आधार पे मैं वही जाके तो मैं नहीं देखा उसको, स्पॉट वेरिफिकेशन तो नहीं किया, क्योंकि हमने लेटर मिला और वहाँ के जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मुनपा मोनेस्ट्री का है बजर वेलफेयर सोसाइटी सभी लोग कंप्लेन किया हुआ, उसका मतलब वहाँ उन लोग नहीं चाहता है कि उस जगह पे कोई धर्म स्थल ना बने,
तो उसी को लेके हम लोग जो है, जो हमारा वहाँ के मोम्पा भाई लोग जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं करना चाहिए, तो हम लोग डीसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को यही अपील किया कि ये चीज़ को जो है इमीडिएट स्टॉप करो। वो जगह ऐसा होगा, दूसरा जगह पे डंपिंग ग्राउंड नहीं बना सकता है तोंग में, जिस जगह पे उन लोग चार्ज बना रहा है, क्योंकि डंपिंग इतना गंदा होता है कि उससे गंदगी से बीमार भी फैल सकता है, तो इसी वजह से उन लोग का प्रोटेस्ट हुई होगा। तो सरकार भी अगर उस जमाने से अपंग सर से लेके अभी तक नहीं दे, मतलब वो सरकार का जो यूटिलिटी में वही जगह बहुत अप्रोप्रिएट होगा, इसी वजह से सरकार नहीं दिया होगा। अगर नहीं तो उस समय से लेकर अभी तक तो हो जाना चाहिए। इसी टाइप का जो है हम समझता है, हमारा जो वहाँ पे जो भी चर्च बना रहा है उनसे यही अपील है, अल्टरनेट आप ढूंढिए, या आपका कोई क्रिश्चियन भाई लोग वहाँ उसका डोनेशन करके कोई जमीन को उसी में बना सकता होगा। जो सरकार ही नहीं मान रहा है वो तो सरकार का बात हो गया, और वहाँ के लोग ही नहीं मान रहा है और ज़बरदस्ती करके, तो शांति नहीं मिलेगा ना उनको भी, क्योंकि सब सिर्फ तवांग का बारे में नहीं है। आपको पहले बताया लोंगडिंग से लेके तवांग तक जितना भी हमारा अरुणाचल है, वहाँ पे जिस जिस जगह पे हमारे इंडिजिनियस लोग तकलीफ मिलता है, वहाँ हम लोग इंटरवीन करेंगे जरूर। नहीं, इसलिए आपको बताया ना, मैंने खुद खुशी से उसको लेटर को नहीं लिखा, उन्होंने हमको ये देखिए प्रेसिडेंट इफ्रा फॉर हिज काइंड इम्प्रोविजेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज, उन्होंने जो है वहाँ के एपेक्स बॉडी ने वो लेटर को हम लोग को भेजाया, तो उसका आधार पे हमारा प्रेसिडेंट ने भी जो भी लेटर लिखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएट स्टॉप करो बोल के, वो लेटर इस लेटर के आधार पे लिखा है। वही तो बोल रहा है ना, हमारा इंडिजीनियस को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो हम लोग है यहाँ पे, तो इसलिए वहाँ के इंडिजीनियस वाला ही हमको रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग किसी को ये चीज़ को हम लोग मानना, आप लोग थोड़ा इंटरवेंट कीजिए, तो उसी आधार पे हमारे इंडिजीनियस को ही हम सेव करने के लिए वो लेटर को लिखा है। अगर वहाँ के लोग इंडिजीनियस वाला अगर नहीं मान रहा है ये चीज़ को, तो इमीडिएट स्टॉप करना ज़रूरी है, तो इसलिए तो वही लेटर को लिखा है। आप जो सवाल किया है उसको बार बार मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, इसमें देखिए हिंदू नहीं है बोल के तो नहीं है, हिंदू है जो यहाँ के हमारा बिजनेस कम्युनिटीज है, ये सब यहाँ पे सर्विस करने वाला उन लोग है, और वहाँ में क्रिश्चियन नहीं का बराबरी है। आप तो में अभी तक तो एक भी तो चर्च नहीं बनाया, मतलब नहीं का बराबर है, क्योंकि वहाँ के आदमी लोग जो है मोनपास है और बुद्धिस्ट बुद्ध को मानते हैं, तो उस जगह पे अगर ज़बरदस्ती कोई भी हम दोनी पोलो मंदिर बनाएगा बोलना, अगर वहाँ का एक्सेप्ट नहीं करने से तो दुश्मनी तो लेना पड़ेगा ना वहाँ से लोग के साथ में, तो इसलिए हमारा इंडिजिनस पेट का कहना है, पेट बिलीवर्स का, अगर वहाँ के लोग नहीं मानता है इमीडिएट स्टॉप करना ज़रूरी है। ये कोई ज़बरदस्ती करके करने से क्या है, आप आपका अड़ोसी पड़ोसी आपको दुश्मनी बनेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो नहीं लगेगा। शांति का
दूध है। तो मैं यही क्रिश्चियन भाई से भी अपील करता हूँ, उसका फॉलोअर होने का नाते शांति बनाए रखने से अच्छा है कि लास्ट टाइम आपका का क्रिश्चियन रिवाइवल का आप लोग का माध्यम से एक ये किया कि सारा स्टेट में इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेगा इस पर ये डेमोक्रेटिक वे में। ये आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई इस तरह का होने से वो ठीक लगता है, लेकिन जो धर्म भावना है, धर्म भावना जो ये है इस तरह का एग्रेसिव ये करना, जो इनोसेंट वाला को एग्रेसिव में लेके आके इस तरह का बात करना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। भविष्य में भी इस तरह का नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए यही अपील करता हूँ कि इस तरह का नहीं करके, जो जितना भी यहाँ पे हमारा अरुणाचल में है अभी, सब यहाँ का जन्मा है। वो पहले एक दिन तो हमारा आपातानी बेल्ट का जैसा हमारा तागिन है, निशी आपातानी गलो आदि जितने पांच भाई है, सो आपातानी से निकला हुआ है। जो बना है तो आज ही दूसरा कोई हिंदू में गया, कोई मुस्लिम में गया, कोई क्रिश्चियन में गया, तो होके आखिर हमारा कौन का रिलेशन तो है ना। तो इसलिए उन लोग से भी अपील करता हूँ, इस तरह का भाषणबाजी नहीं करना चाहिए। आदमी को शांति का संदेश देना चाहिए, शांति होना चाहिए स्टेट को। तो यही अपील उन लोग को मैं करना चाहता हूँ। मेरा नाम रेवरेंद ताई अते है। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को न्याय देने में समाज जो है आगे आए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी क्षेत्र का क्यों ना हो। हमारे तावांग में वहाँ पर हम लोगों का विश्वासी जन है, और हम लोग वहाँ पर एक छोटा सा ज़मीन हम लोग वहाँ पर ऑक्यूफाइड किया था। इट वॉज इन द ईयर बैक 1999 को हम लोग वहाँ पर एक छोटा सा ज़मीन लेता है, और वो ज़मीन जो है एक डंपिंग, एक रिजेक्टेड जगह था, उसको हम लोगों ने ब्यूटीफाइंग किया, और वहाँ पर हम लोगों ने मिशनरी घर बनाया, और वहाँ पर एक छोटा कच्चा घर, एक चर्च भी बनाया। तो ऐसा करते करते हम लोग क्या हुआ, 2015 को जब हम लोगों ने चर्च जो है पुराना हो गया, एक नया बिल्डिंग का रूप में एक छोटा सा एक RCC बिल्डिंग जब खड़ा किया है, तो तब से ये प्रॉब्लम जो है शुरू होता है। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ समाज से और हमारे अथॉरिटी को, खास तौर से जो कंप्लेन कर रहा है, कि 1999 से आज 21 साल हो रहा है, 21 साल के दौरान आप लोग जो है पहले नोटिफाई क्यों नहीं किया, ये भी एक बात है। और उस समय इलीगल था तो उसको पहले से बंद किया जाने से बहुत अच्छा बात था, लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बाद हमारे दिल दिमाग, हमारे प्रार्थना, हमारे जो है रुपया पैसे जितने भी बिलीवर्स लोगों के, उसको लेके वहाँ पर बहुत से इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब एक बिल्डिंग को रुका के रखने का कारण से सामान, साजो सामान जितना भी है सब सर गया है। उसको देखते हुए हम लोगों ने चोरी छुपे कभी काम नहीं किया। हम लोग अथॉरिटी को जब भी काम किया है, हम लोग अथॉरिटी को बटा के काम किया है। हम लोग CS को मिले, हम लोग ऑनरेबल CM को मिले, और जिस जिसको भी मिलना चाहिए कागज़, जिस जिसको देना चाहिए, हम लोग उन लोगों को काम किया है। और एलोटमेंट का जब बात आता है तो एलोटमेंट का प्रोसेस को लेके भी हम लोगों ने काम किया है। एलोटमेंट देना तो गवर्नमेंट का काम है, अगर इलीगल नहीं कराना है तो फिर जो है आप जो है एलोटमेंट दिला दीजिए। लेकिन हम लोग इलीगल इसलिए नहीं मानता है क्योंकि बोलने से वो हम लोग का पहले से 21 साल से हम लोग उसको ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है। एक छोटा सा बिल्डिंग खड़ा करते समय में इतना प्रॉब्लम जो है खड़ा हो गया है। तो अभी यहाँ तक की नौबत आया है कि हमारे कुछ वर्कर्स वहाँ पर, हमारे फुल टाइम वर्कर्स लोग हैं, हम लोग मोर देन 400 फुल टाइम वर्कर्स हैं। तो उसमें जो है हम लोग लेबर दूसरा ये हायर नहीं किया है, अभी ऐसे भी पैंडेमिक का समय है, इसलिए हम लोग अपना लोग जो है लोकल लड़का लोग काम कर रहा था उसको जो है रिटेंडेड किया है, और सुनने को आया है रिलीज तो किया है बोल के, लेकिन केस रजिस्टर किया है बोले। तो आज हम लोग का अपील ये रहेगा कि उन लोगों को तुरंत ही कार्रवाई नहीं करके, रजिस्टर नहीं करके, केस रजिस्टर नहीं करके, उन लोगों को जो है बेगुनाह है वो लोग, हम लोग अपने आप को बेगुनाह मानता है, उन लोगों को जो है जल्दी रिहा किया जाए। और हम ये चाहता है कि वहाँ के जितने भी वासी हैं, तावांग के वासी चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी कम्युनिटी का हो, आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को प्लीज़ बात कीजिए, हम लोग बात करने के लिए तैयार है। हम लोग किसी का बैर नहीं है, किसी को जो है हम लोग दुख पहुंचा के काम करने के लिए ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम लोग अपना हक के लिए सिर्फ काम कर रहा है।
तो इसीलिए वहाँ के कम्युनिटी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों से मैं यही ये जो है अपील करूँगा कि आप लोग जो है इसको गौर से देखें और समझें और हम लोगों को न्याय देने में आप लोग भी मदद करें। और गवर्नमेंट जो है ये बताता है कि 2009 में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्शन है वहाँ पर रिलीजियस प्लेस जो है पब्लिक स्ट्रीट में, पार्क में या जो है आपका जो है पब्लिक जगह में जो है नहीं बनाना है बोल के ऑलरेडी उस बेसिस में हम लोगों को ऑर्डर देते रहते। लेकिन 1999 में एस्टैब्लिश वालों को आप क्या कहेंगे? अगर पब्लिक प्लेस में अगर इस प्रकार से नहीं होगा, इस प्रकार से आपका कहना है, बहुत से मंदिर मस्जिद या हम लोगों का जगह जो है वर्शिप प्लेस जो है पब्लिक प्लेस में ही हुआ करते हैं, लेकिन हमारा वो जो है पब्लिक प्लेस में भी गिरता नहीं है, ना ही वो पार्क है, ना ही कोई वो स्ट्रीट है, वो तो एक छोटा सा जगह है। तो इसीलिए हम चाहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्शन से लेके हम लोगों का इलीगल आपको मानता है तो सब जगह में जो है जो अलॉटमेंट नहीं है उसको भी आप कीजिए, पूरा एवेक्शन कीजिए, सबको जो है एक साथ में आप न्याय को जो है आप दिखाइए। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मैं उन लोगों से ये अपील करूँगा कि आप लोग इसको न्यायपूर्वक देके एक रिलीजियस का ये में पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ ना लेने से बहुत अच्छा रहेगा, एक समाज का एक हक, एक नागरिक का हक के अनुसार आपको देखने से बहुत अच्छा रहेगा। इंडिजिनियस पेज एंड कल्चर का जो आपका प्रेसिडेंट थे योसुंग सर जी, वो भी जो है हम लोगों का तवांग चर्च इलीगल है बोल के डीसी को कंप्लेंट किया है, ये एक बहुत बड़ा दुखदायक है। हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी को भी हम लोग अगेंस्ट नहीं है, आप लोगों का काम काज में भी हम लोग कभी भी जो है ये सब बोलना भी नहीं चाहते और बोला भी नहीं है, और आप जो है तवांग में हम लोगों को इस प्रकार से बोलना ये बहुत बड़ा दुखदायक है। मैं सोचता हूँ आप लोग से हम लोग कोई भी लेन देन उसमें कुछ भी रीज़न नहीं दिखाई देता, ना वो कोई प्राइवेट लेन है, ना कोई एनक्रोचमेंट का बात है, वो प्योरली हम लोग को ऑक्यूपाइड जगह है, अंदर द प्रीमिसिस ऑफ दैट ऑक्यूपाइड वेरी प्लेस हम लोग चर्च को जो है एक छोटा सा बनाने जा रहा है और बना रहा है। उसके बाद अगर हम लोगों को उचित या सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलने से हम लोग तो अपना काम को करना है। देखो हम किसी को थ्रेटनिंग नहीं, किसी का जो है अगेंस्ट नहीं है, वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट वी आर फाइटिंग फॉर आवर जस्टिस, फॉर आवर राइट, उसको तो हम लोग हर हाल में मरने से भी हम लोग जो वो हक को हम मांग के रहेगा। आप कितने समय दोगे डेमोक्रेटिक मूवमेंट का? डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए मेरे हिसाब से वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम उतना देर तक इंतजार नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात।